हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम अमित कुमार सिंह है। आज मैं आपको एक ऐसा स्टॉक बताऊंगा जो आपको वेल्थ क्रिएट करके दे सकता है। इस कंपनी का प्रोडक्ट आपको बड़े दुकान में मिल जाएंगे और छोटे मोटे जो गुमटी होते हैं, फुटपाथ का दुकान होते हैं, सभी दुकान पे इस कंपनी का प्रोडक्ट मिल जाएंगे। और हम सभी लोग बचपन से इस कंपनी का प्रोडक्ट खाते आए हैं और आगे भी खाएंगे। लगभग 100 साल पुरानी कंपनी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए और खुल के इन्वेस्ट कीजिए भाई, डरिए मत। अच्छी कंपनी खरीदेंगे ना तो पैसा बनेगा, अगर आप गंदी कंपनी खरीदेंगे तो पैसा बनने की संभावना कम रहता है। लेकिन जो अच्छी कंपनी रहती है ना, उसमें पैसा बनता है। बहुत अच्छी अच्छी कंपनी आप खरीद के रखो, मार्केट से डरो मत। इलेक्शन ये सब आते जाते रहते हैं और ये सब कंपनी चलती रहेंगे। जब कंपनी में कोई दिक्कत नहीं तो इलेक्शन क्या कर लेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कांग्रेस का सरकार बन जाएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता भाई। शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम हो सकता है, लॉन्ग टर्म में कुछ ही प्रॉब्लम नहीं होता है। इस कंपनी में आप लोग खरीदारी कीजिए, बहुत ही अच्छा खासा आपको रिटर्न बना कर दे सकता है। अगर आप 30 साल इन्वेस्ट करते हो तो 30% के हिसाब से 7 करोड़ से ज़्यादा बन सकता है। आप अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल बटन दबा लो। अगर बेल बटन आप अगर नहीं क्लिक करते हो तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। सबसे पहले मैं क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख लेता हूँ। और आप लोग भी किसी भी कंपनी में पोजीशन बनाने से पहले एक बार फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पता कीजिए, कंपनी का धंधा क्या है इसके बारे में पता कीजिएगा। और आप अच्छी कंपनी खरीदते हो भाई तो आपको रिटर्न मिलेगा, इसकी गारंटी है। मैं तो उसको गारंटी बोलता हूँ। अगर आप टाटा मोटर जैसे शेयर खरीद लेंगे, SBI जैसे शेयर खरीद लेंगे तो ये सब कंपनी में तो पैसा बनेगा नहीं, आपका दिमाग का दर्द देते रहेगा। तो अच्छी कंपनी का मतलब ये नहीं होता ना कि सिर्फ बड़ा नाम हो, उनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है वो भी दिखना चाहिए। सिर्फ बड़ी कंपनी में मत जाइएगा आप लोग, फाइनेंशियल कंडीशन के आधार पे कोई भी कंपनी को अपनी पोर्टफोलियो में जगह दीजिए, नाम सुन के मत जगह दीजिए। देखिए, नेट सेल टर्नओवर सितंबर 17 में था वो 2385.38 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 2704.62 हो चुका है। तो यहाँ पे देख लो, नेट सेल बढ़ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम सितंबर 17 में था वो 2434.61 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 2744.15 हो चुका है। तो यहाँ पे देख लो, टोटल इनकम नेट सेल दोनों ही बढ़ रहा है क्वार्टर टू क्वार्टर वाइज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 17 में था वो 353.16 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 424.66 हो चुका है। तो देख लो, यहाँ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, 353 से 424 हो चुका है, जो कि काफ़ी अच्छा है। एबिटा देख लो, एबिटा सितंबर 17 में था वो 402.39 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 464.19 हो चुका है। तो देख लो, एबिटा भी यहाँ पे बढ़ रहा है, 402 से 464 हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस फॉर दी देख लो, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर सितंबर 17 में था वो 245.34 था, और सितंबर 18 हो चुका है वो 283.57 हो चुका है। तो देख लो, यहाँ पे भी 245 से 283 हो चुका है। तो यहाँ पे क्वार्टर टू क्वार्टर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर मुझे अच्छा दिख रहा है। रिपोर्टेड पैट देख लो, पैट सितंबर 17 में था वो 245.34 था, और सितंबर 18 हो चुका है 283 हो चुका है। तो मुझे इसका क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट अच्छे लग रहे हैं। अब मैं ईयर टू रिजल्ट देख रहा हूँ। पहले आप क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट देख रहे थे, तो देखिए मार्च 14 में जो नेट सेल था वो 6307.39 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 9304.06 हो चुका है। तो यहाँ पे देख लो, नेट सेल्स कितना अच्छा है, 6300 से 9300 हो चुका है, और किसी भी ईयर में कम नहीं रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात होती है, और मैं ऐसे स्टॉक को काफ़ी पसंद भी करता हूँ। टोटल इनकम देख लो, टोटल इनकम मार्च 14 में था वो 6342.21 था मार्च 14 में, और मार्च 18 हो चुका है वो 9459.99 हो चुका है। तो यहाँ पर देख लो, टोटल इनकम नेट सेल ईयर टू वाइज मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है, और किसी भी ईयर में कम भी नहीं रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देख लो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्च 14 में था वो 596.62 था, मार्च 14 में 596 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 1410.48 हो चुका है। देख लो कितना ज़बरदस्त है इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट, 596 से 1410 हो चुका है। ऐसी कंपनी रिटर्न नहीं देगा तो कौन सी कंपनी रिटर्न देगा? आप लोग इस कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ
जो मैं बोला हो ना वो 30 साल बाद हो जाएगा। ये ऐसी कंपनी है। एबिटा देख लो, एबिटा मार्च 14 में था वो 631.54 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 1566 हो चुका है। देख लो एबिटा भी कितना जबरदस्त है ईयर टू ईयर वाइज, 631 से 1566 हो चुका है। मुझे इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट एबिटा दोनों ही काफ़ी जबरदस्त लगा है। मैं जितनी भी कंपनी आपको बताया ना हो उसमें से सबसे अच्छा मुझे लगा है इस प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर। देख लो प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर मार्च 14 में था वो 389.83 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 947.89 हो चुका है। देख लो प्रॉफिट एंड लॉस पर कितना जबरदस्त है, 389 से 947 हो चुका है भाई, काफ़ी ज़बरदस्त है भाई। इन 5 सालों में कहाँ से कहाँ जा चुका है ये स्टॉक, देख सकते हो प्रॉफिट एंड लॉस पर कितना ज़बरदस्त है। बहुत आनंद आ रहा है बता के। रिपोर्टेड पैथ देख लो, रिपोर्टेड पैथ मार्च 14 में था वो 369.83 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 947.89 हो चुका है। तो पैथ भी इसका काफ़ी अच्छा है। अब यहाँ पे एनुअल ईपीएस भी आप देख लो, एनुअल ईपीएस देख लो, एनुअल ईपीएस भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखो मार्च 14 में जो एनुअल ईपीएस था वो 30.84 था, और मार्च 18 हो चुका है वो 78.95 हो चुका है। देख लो इसका एनुअल ईपीएस कितना ज़बरदस्त है, मार्च 14 में 30 था, मार्च 15 में 51 हो गया, 16 में 62 हो गया, 17 में 70 हो गया, 18 में 78 हो गया। काफ़ी अच्छा है भाई, हर ईयर इसका एनुअल ईपीएस बढ़ रहा है। मुझे ऐसी कंपनी बहुत पसंद आता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का अब मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुका हूँ। ये जो कंपनी है वाडिया ग्रुप की कंपनी है, वाडिया ग्रुप की ये सोने का अंडा देने वाला स्टॉक है। वाडिया ग्रुप का मुझे दो कंपनी पसंद है, एक हुआ ब्रिटानिया और एक है नेशनल पॉक्साइड, जो मेरे पोर्टफोलियो में है। दोनों कंपनी काफ़ी अच्छी है, अगर आप दोनों कंपनी में पैसा लगा सकते हो तो लगा लो, क्योंकि कंपनी अच्छी होगी फ्रेंड तो पैसा बनता है, और दोनों का मुझे बिजनेस काफ़ी अच्छा लगता है। और आप लोग ब्रिटानिया खरीदिए सबसे पहले, क्योंकि ब्रिटानिया को आप लोग जानते हो, आप इस कंपनी का बिस्किट खाते हो, डेली खाते हो इस कंपनी का बिस्किट। इसका बिस्किट हर दुकान में मिल जाएंगे, फुटपाथ से लेकर के शॉपिंग मॉल तक मिल जाएंगे। कंपनी तो अच्छी है ही है, बचपन से खाते आए हैं, तो खरीद के रखिए इसका स्टॉक, वेल्थ क्रिएट करके देगा। इसका मार्केट शेयर में ब्रिटानिया की बात करूँ तो ब्रिटानिया का जो मार्केट शेयर है वो 38% मार्केट शेयर है, अच्छा खासा मार्केट शेयर है, 38% कम नहीं होता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का आपको मैं प्रोडक्ट यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ जो आप लोग डेली खाते होंगे। तो देखिए यहाँ पे बिस्किट्स में गुड्डे है, सभी लोग गुड्डे के बारे में जानते हैं और सभी लोग खाएंगे भी बिस्किट गुड्डे का। और यहाँ पे देख लो मैरीगोल्ड काफ़ी फेमस है, मैरीगोल्ड भी, टाइगर भी काफ़ी फेमस है, टाइगर बिस्किट्स। यहाँ पे मिल्क बिस्किट भी देख लो, यहाँ पे आप देख लो प्योर मैजिक है, काफ़ी सारे इनके बिस्किट्स हैं जो आप लोग खाते हो। ये देख लो मैरीगोल्ड बिस्किट्स है इनका, ये देख लो गुड्डे, मुझे बहुत पसंद है गुड्डे का बिस्किट, बहुत ही अच्छे लगते हैं भाई। और यहाँ पे देख लो काफ़ी सारे इनके बिस्किट से, आप इस कंपनी की वेबसाइट विजिट करें और देखें। ये टाइगर का बिस्किट देख लो, और भी इनके प्रोडक्ट हैं, ब्रेड्स में भी देख लो काफ़ी सारे हैं। यहाँ पे देख सकते हो डेयरी का भी इनके पास प्रोडक्ट है, केक्स का भी है, देख सकते हो बार केक्स, वेज केक्स, ये सब हैं। देख लो यहाँ पे वेज केक्स हैं, काफ़ी अच्छा लगता है भाई ये सब। देख सकते हो इनके केक्स हैं, फ्रूटी बार केक, काफ़ी अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। खरीद के रखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्री को, वेल्थ क्रिएट करके देगा। खरीद के छोड़ दीजिए, पैसा तो बनता रहेगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्री किस साल रिटर्न दे चुकी है वो मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए 10 साल में रिटर्न है वो 2477.69% है, तो अच्छा खासा ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने रिटर्न दिए हैं। और सेंसेक्स का रिटर्न है वो 297.91% रिटर्न है 3 ईयर में, देख लो 3 ईयर में भी अच्छा रिटर्न होगा, 100% रिटर्न होना चाहिए। 3 ईयर में जो रिटर्न है वो 108.65% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है वो 39.73% रिटर्न है। 1 ईयर में देख लो कितना रिटर्न है, 1 ईयर में रिटर्न है वो 22.21% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है वो 8.27% रिटर्न है। ईयर टू डेट में देख लो, ईयर टू डेट में जो रिटर्न है वो 27.43% रिटर्न है, सेंसेक्स का रिटर्न है वो 4.75% रिटर्न है। 1 मंथ में देख लो,
1 month में 3.41% रन है, 600 रन है 1.24% रन है, 1 week में देख लो कितना रिटर्न दिया है, 1 week में रिटर्न दिया होगा, 1 week में देख लो कितना रिटर्न दिया है, 1 week में नेगेटिव में रिटर्न है, -4.90% रन है, 600 रन है वो -1.44% रन है, 1 day में स्टॉक लगभग 0.54% रन दिया। तो देखो कंपनी काफ़ी अच्छी है, रिटर्न बना के देगा। अब मैं बात कर लेता हूँ मैजिक कंपाउंडिंग की, बात कर लेता हूँ, क्योंकि जब भी आपका पैसा बनेगा वो कंपाउंडिंग के थ्रू ही बन सकता है। जो लोग भी इस मार्केट से बड़ा पैसा बनाए, चाहे वो राकेश झुंझुनवाल जी हो या फिर वॉरेन बफेट जी हो या फिर कोई और हो, जो लोग भी बड़ा पैसा बनाता है वो कंपाउंडिंग के थ्रू ही पैसा बनाता है, और 1-2 साल में बड़ा पैसा कभी नहीं बनता है, कोई भी बताता है तो ये फेक है। 1-2 साल में कोई भी बड़ा पैसा नहीं बना सकता, कम से कम छोटा इन्वेस्टमेंट करके तो बड़ा पैसा नहीं बना सकता। अगर बड़ा पैसा बनाना है तो आप कम से कम 10 साल 20 साल होल्ड कीजिए उस स्टॉक को, और आपको रिटर्न बना के देगा। तो देखिए ब्रिटानिया इंडस्ट्री में अगर आप इस समय 30,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करते हैं और ये कंपनी हर साल 30% रिटर्न बना के देता है 30 साल, तो 30 साल बाद जो पैसा हो जाएगा वो 7,85,00,000 रुपये से ज़्यादा हो सकता है। अब कई लोग मेरे भाई होंगे वो बोलेंगे कि ब्रिटानिया इंडस्ट्री कभी 30% रिटर्न बना के दे ही नहीं सकता है, तो मैं आपको दिखाया भी 10 साल का जो रिटर्न था वो 2400% रिटर्न था और 3 साल का रिटर्न था वो 108% रिटर्न था। तो क्या ये कंपनी हर साल 30% रिटर्न बना के नहीं दे रही है, इससे ज़्यादा दे रही है भाई। और लॉन्ग टर्म के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो इससे ज़्यादा रिटर्न मिलता है, शॉर्ट टर्म में कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता है। 1 साल में ब्रिटानिया इंडस्ट्री का रिटर्न देखा कितना था, 22% का था। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि आप 1 साल का इन्वेस्टमेंट कीजिए, कम से कम 10 साल 15 साल इन्वेस्ट कीजिए, तब जाके आप बड़ा पैसा बना सकते हो। भाई आप छोटा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और इतना बड़ा पैसा बना रहे हो, और ऐसा बिजनेस कहाँ मिलेगा, ब्रिटानिया इंडस्ट्री जैसा बिजनेस आपको कहाँ मिलेगा भाई। बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप खरीद के रखिए, पैसा तो बनेगा ही ना, आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करना नहीं पड़ रहा है, आप देखते जाइए धीरे धीरे पैसा बढ़ते जाएगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्री अब तक 2 बार स्प्लिट कर चुकी है, हाल ही में स्प्लिट किए इसका स्टॉक 6,000 रुपये हुआ करता था, और स्प्लिट हुआ तो इसका प्राइस 3,000 रुपये पर सेटलमेंट हुआ था। तो देखो स्प्लिट और बोनस होते रहता है ये सब कंपनी में, 2010 में भी ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट की थी। तो जब भी इसका प्राइस ऊपर चला जाएगा, अभी 3,000 प्राइस है, फिर से ये ऊपर चला जाता है 6-7 हज़ार रुपये हो जाता है, तो कंपनी फिर से अनाउंसमेंट करेगी कि मैं स्टॉक को स्प्लिट कर रहा हूँ या फिर बोनस कर रहा हूँ। तो इससे हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं होता है, बस फ़ायदा ये होता है ना कि हम इस स्टॉक को नीचे के प्राइस पे खरीद सकते हैं। मतलब 6,000 रुपये मेरा पैसा नहीं है तो मैं कहाँ से खरीदूंगा, मेरे पास 3,000 रुपये पैसा होगा तो मैं खरीद लूँगा, एक ही स्टॉक खरीदूंगा लेकिन खरीद तो लूँगा ना। इसलिए कंपनी स्प्लिट करती है ताकि सभी लोग खरीद पाए, लिक्विडिटी बना रहे कंपनी में। आपको मैं बोनस भी दिखा देता हूँ, ब्रिटानिया ने बोनस दिया है, देख सकते हो बोनस भी काफ़ी और दे चुकी है, देख सकते हो 1999 में, 1990 में, 1987 में, 1983 में, तो देखो अच्छा खासा एक कंपनी बोनस भी देती है, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस हमेशा बढ़ जाता है, अच्छा खासा रिटर्न देता है तो ऊपर चला जाता है, तुमको बार बार बोनस और स्प्लिट करना पड़ता है। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का आपको मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न बता दे रहा हूँ। तो देखो प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो 50.66% प्रमोटर के पास होल्डिंग है, FIIs के पास अच्छा खासा होल्डिंग है 16.29%, म्यूचुअल फंड्स के पास होल्डिंग है वो 5.96% है, इंश्योरेंस कंपनी के पास 6.47%, अदर डे पर जो होल्डिंग है वो 0.58% है, नॉन सेवा जो होल्डिंग है वो 20.04% होल्डिंग है। कोई भी शेयर ब्रिटानिया इंडस्ट्री का प्लेस नहीं है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। LIC का जो होल्डिंग है वो 5.03% होल्डिंग है LIC का। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का वैल्यूएशन देख लो, पी रेशियो है वो 66.34 का, यहाँ पे पी रेशियो है, प्राइस टू बुक वैल्यू वो 19.76 का प्राइस टू बुक वैल्यू है, तो ये स्टॉक 19 के मल्टीपल पर ट्रेड करता है। डिविडेंड यील्ड है वो 0.42%, तो डिविडेंड यील्ड उतना अच्छा नहीं है। ROC जो है लेटेस्ट वो 49.50% का है, तो मुझे इसका ROC काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है, देख सकते हो 49% का ROC है। ROE जो लेटेस्ट है वो 29.78% का है, तो मुझे इसका ROE ROC दोनों काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। यहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव बता रहा है, आप देख सकते हो। तो देखो ये अच्छी क्वालिटी का स्टॉक है तो वैल्यूएशन तो एक्सपेंसिव रहेगा ही रहेगा, और जो अच्छी कंपनी रहती है उसका वैल्यूएशन हमेशा आपको एक्सपेंसिव ही नज़र आएगा, चाहे वो HUL हो, एशियन पेंट हो, पिडिलाइट हो, ये सब कंपनी आपको कभी भी सस्ते दामों पर नहीं मिलेंगी,
आपको महंगे दामों पे खरीदना पड़ेगा। अगर आप नहीं खरीदोगे तो फिर से ये स्टॉक 3,000 है तो फिर से ये 6-7 हज़ार रुपये हो जाएंगी। आप फिर खरीद नहीं पाओगे तो खरीद लीजिए, आप एक एक करके खरीदिए ना, एक समय बहुत सारे स्टॉक हो जाएंगे। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का आप सेल्स ग्रोथ देख लो, 5 ईयर का सेल्स ग्रोथ जो 5 ईयर का वो 9.84% का है, एवरेज जो ग्रोथ है 5 ईयर का वो 26.07% का है। तो मुझे इसका एवरेज ग्रोथ काफ़ी अच्छा लग रहा है 5 ईयर का। यहाँ पे क्वालिटी देख लो, एक्सलेंट बता रहा है। यहाँ पे देख लो 10 साल में रिटर्न है वो 2400% रन, जो मैं आपको बताया 5 साल में 591% रन, 3 साल में 108% रन। तो काफ़ी अच्छा ये कंपनी रिटर्न दे रही है, खरीद के रख लीजिए लाइफ टाइम के लिए, आपको ये पैसा बना के देगा। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का मार्केट कैप देख लो, अच्छा खासा मार्केट कैप है ब्रिटानिया इंडस्ट्री का, 72,204.83 का मार्केट कैप है। पी जो है वो 70.53 का पी है और इंडस्ट्री पी जो है वो 66.61 है। तो इंडस्ट्री पी के मुकाबले ब्रिटानिया इंडस्ट्री का पी हाई है। बुक वैल्यू है वो 134.63 रुपये है। अर्निंग पर शेयर है वो 42.60 का अर्निंग पर शेयर है, फेस वैल्यू 1 का है। और भी मैं आपको कुछ दिखा दे रहा हूँ ब्रिटानिया इंडस्ट्री का। ब्रिटानिया इंडस्ट्री का जो नेटवर्क है वो 3,235.28 का नेटवर्क है। टोटल जो डेबिट है वो 9.31 का डेबिट है। तो 9 करोड़ का इस कंपनी पर डेट है। इन्वेस्टमेंट है 1,186.13 का इन्वेस्टमेंट है। टोटल जो एसेट्स है वो 3,244.59 का एसेट्स है। और यहाँ पे भी देख सकते हो नेट प्रॉफिट इनका बढ़ रहा है लगातार। कंपनी काफ़ी अच्छी है भाई, आप खरीद के रख लो। अगर फ्रेंड मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। पहले से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन प्रेस कर देना। बेल बटन प्रेस नहीं करोगे तो मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। आप लोग ब्रिटानिया इंडस्ट्री खरीदिए, अगर 2800-2700 रुपये का प्राइस मिलता है तो आप लोग खरीद लीजिएगा। वैसे भी इस कंपनी को मुझे लगता है किसी भी प्राइस पर खरीद लेंगे ना तो आपका पैसा बन जाएगा। ये ऐसी कंपनी है भाई, खरीद लो वरना मिस हो जाएगा फिर। वैसे मुझे नहीं लगता कि अभी ये ऊपर जाने वाला है क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, तो अभी सब स्टॉक नहीं जाएगा ऊपर, लेकिन खरीदारी तो यही सब कंपनी में आएगी भाई, कुछ कहा नहीं जा सकता। आप मिस मत कीजिए इसको। थैंक यू।